की गाड़ी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की, और उसमें मैंने बात था कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करवा सकते हैं, फिर उसके बाद वेरी बेसिक एंड नेसेसरी टूल जो कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए, विच इज कॉल्ड फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अच्छा फेसबुक कहते हैं कि मेरे दो तरह के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है कि इंसान का इंसान शीशे में देखने से पहले कैसा लग रहा है और शीशे में देखने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, जब इंसान शीशे में देखता है तो एक इंटरफेस आ जाते हैं ना, ऐसे ही एंग्जाइटी में एक जो अंदर से है वो। तो इसी तरह से इसके दो तरह के इंटरफेस चलते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रोसेस का, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने कॉन्टेंट की रीच को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं और आप कॉन्टेंट की रीच कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, सो आप कोई भी फेसबुक पेज बनाते हैं, फेसबुक कहता है कि आप लोग जब अपना कोई भी रेलिवेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुँचता है। ठीक है, जब आप अपनी कॉन्टेंट में रेलिवेंसी रखते हैं ना, तीन चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, जो कि आप जब भी अपने बिजनेस अकाउंट्स लाइक बिजनेस पेजेस फेसबुक पर बनाते हैं तो पहली चीज़ कहा जाती है कि क्रिएट रेलिवेंसी। अब रेलिवेंसी का मतलब ये है कि अच्छा मेरे पेज बनाए गाड़ी टू ह्यूमन एक्सेसरीज या ह्यूमन चिल्ड्रेन, तो मैं उन्हीं लोगों को कोशिश होगी कि मैं उसी तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करूँगा, लाइक उसी तरह की इमेज क्रिएट करूँगा जो कि मेरी ऑडियंस को ऑटोमेटिकली टारगेट करवा सके। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने यूजर को ऑर्गेनिकली टारगेट कर दो। ऑर्गेनिकली मतलब क्या है, विदाउट पेइंग समथिंग। ठीक है, क्योंकि पेइंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, पेइंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि फेसबुक पे हर मंथ अराउंड अबाउट 30 मिलियन पिक्चर्स एंड वीडियोज लोग पोस्ट करते हैं, तो मार्केट ना बहुत बड़ी है, मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है। तो अगर आपको इस मार्केट में अपना किरदार नहीं करना है तो आपको अपने कॉन्टेंट को, कॉन्टेंट मतलब अपनी पिक्चर्स को, अपनी वीडियोज़ को ज़्यादातर लोगों को दिखाना पड़ेगा। सो वन ऑफ द पार्ट दैट वी हैव यू ऑलरेडी नो कि आप फेसबुक पर पोस्ट करते हो, कोई भी पिक्चर पोस्ट किया आपने, पोस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ना ये शो आता है कि कितने लोगों ने ना, अगर मेरे इस पेज पे 65 लाइक्स हैं तो कितने लोगों ने इसको देखा, 57 लोगों ने रीच आउट किया, दिस इज कॉल्ड रीच एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, एंड देन चार लोग इसके साथ एंगेज हुए। एंगेजमेंट का मतलब है, एंगेजमेंट मीन्स कि वो लोग जिन्होंने इसको लाइक किया, कमेंट किया एंड शेयर किया, दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। ओके, और उसके बाद ये इस तरह से सेम है, ये वाली पोस्ट थी इस पे अराउंड अबाउट ये उसने इसको एक पोस्ट पेज बनाया, इस पर कुछ 4,700 लोगों ने रीच किया, 25 उसके एंगेजमेंट आए एंड सो ऑन। सो व्हाट डज दैट मीन कि मेरे पास जो रीच आती है उसका मतलब क्या है, लाइक अगेन इट्स वेरी बेसिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। जो रीच है ना वो है जो कि मैं अखज करना चाहता हूँ, जो कि मैं ट्राइंग टू करता है। अब हम ट्राइंग टू करता है मीन से मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई भी अपना कॉन्टेंट फेसबुक में पोस्ट करता हूँ ना, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हर एक प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम होता है, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करते हो, करते हैं नहीं करते, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करते हो ना तो करने के फौरन बाद आप उसके साथ हैशटैग यूज करते हो, वो जो जो हैशटैग यूज करते हो ना उस हैशटैग को फॉलो करने वाले लोग आपकी पिक्चर पे ऑटोमेटिकली आप उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं। आप उतने ज्यादा हैशटैग डालते हो उतने ज्यादा आपको लाइक्स आते हैं, आप जितने कम हैशटैग डालते हो उतने कम लाइक्स आते हैं, और जितने ज्यादा हैशटैग डालते हो उतनी ज्यादा लोगों की रीच आती है। तो रीच इज समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर सोशल मीडिया। जितनी ज्यादा आपकी बिजनेस की रीच होगी ना, जितना ज्यादा आपका कॉन्टेंट दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ज्यादा लोगों की एंगेजमेंट आपके साथ इंक्रीज होगी, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, आप लोगों को इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये बात होती है ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेलिवेंट कॉन्टेंट क्रिएट करूँगा तो ऑर्गेनिकली मैं इंक्रीज करवा सकता हूँ। इसके बाद कुछ टूल्स हैं, टूल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन एड एक्सप्रेसो है, बफर है, फूल सूट है, उसके थ्रू भी आप ऑर्गेनिकली अपने कॉन्टेंट को इंक्रीज करवा सकते हो। या अगर आप इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिकली अपने कॉन्टेंट को लाइक पहुँचाना बड़ा ईजी है, बट टॉक अबाउट फेसबुक, फेसबुक पर थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि फेसबुक पर सैचुरेशन बढ़ी जाता है। अब इस सैचुरेशन को तोड़ने के लिए ना कोई मिलियंस और मिलियंस ऑफ बिजनेस हैं जो कि फेसबुक पे पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं,
ठीक है। अब फेसबुक पे जो पेड एडवर्टाइजिंग होती है ना, जिसको कहते हैं पेड मार्केटिंग, वो ना वो अब हर बंदे कारोबार का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि सैचुरेशन बड़ी ज़्यादा है। 30 मिलियन पिक्चर्स और जो वीडियोस किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट होती है ना, तो वहाँ पे आपके कंटेंट का ज़्यादा लोगों तक पहुँचना इक्विटी जारी किस पर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यस सर। यस या नो? यस सर। उसके लिए क्या किया जाता है, आप उस जो एक फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग है ना, वो एक सर्फ एक टूल है, एक सर्फ एक सर्विस है, विच इज वेरी हॉट सर्विस इन मार्केट एट द मोमेंट। ओके, देयर आर सेवरल जॉब्स लाइक आफ्टर एवरी 15 सेकंड के बाद हर बंदे को फेसबुक एडवर्टाइजिंग चाहिए। कोई भी बंदा किसी भी तरह काम शुरू करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेट्स से वो कोई ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहा है, वेबसाइट बनाने का काम करता है, वेबसाइट बना के सेल करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस को लेता है, ही नीड अ फेसबुक पेड एडवर्टाइजिंग। अब फेसबुक पेड एडवर्टाइजिंग एक सर्विस स्किल है। अब वर्डिंग फर्टी करंट यूज के टेस्ट करता है, मेरे ना दूसरा की इंटरफेस है। आप लोग यूजली फेसबुक पोस्ट करते हो, आप देखते हो कि ये बूस्ट वाला एक बटन आता है, इस बूस्ट वाले बटन पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको ना कुछ इस तरह से वो कहता है कि यू कैन, इसको कहता है कि तुम हमें पैसे पे करो। अभी तुम्हारे पेज पे 65 लाइक्स है, तो 57 लोगों ने देखी इस पोस्ट को। मैं ये पोस्ट 50,000 लोगों को दिखा सकता हूँ, यू कैन पे अस सम अमाउंट। दिस इज कॉल्ड पेड एडवर्टाइजिंग, दिस इज कॉल्ड रीचिंग आउट टू मोर पीपल देन माई ओन सिटी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना मेरी अपनी सिटी से छोड़ के। अब और ऑडियंस का नाम रखने के बाद मैंने वैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू टारगेट वुमेन्स, उनकी एज इट्स लाइक एज कुड बी 60 ओल्ड, और मैंने लोकेशन का बता दिया कि उनको कहाँ टारगेट करना है। लाइक यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक से मैंने कहा कि आई वांट टू टारगेट देम इन यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैंने आगे के फर्दर मैंने कोई इंटरेस्ट वगैरह डाल दिए, और ये सिंपली मैंने एक अपना एक अपनी ऑडियंस पर फाइल कर दी। बी साइड फ्रॉम दैट फेसबुक साइड के आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आई हैव अदर सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म अवेलेबल, जिसको ना फेसबुक का आउटर इंटरफेस कहते हैं। ये इंटरनल इंटरफेस है, जिसमें आप अपने कॉन्टेंट को पब्लिश करते हो जनरल पब्लिक के लिए। एक वो इंटरफेस है जो आप यूज करते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। उस इंटरफेस को कहा जाता है फेसबुक ऐड मैनेजर, जिसको आप सिंपली एक्सेस भी कर सकते हो यहाँ से। आप अगर यहाँ पे हो, अगर आप लाइक अपने इस पर इंटरफेस पे हो, आप यहाँ से क्लिक करो, यू कैन गो टू मैनेज एड्स, ये इस पर इस पर क्लिक करो, यू कैन गो टू मैनेज एड्स, और मैनेज एड्स करने के बाद आप इस पर्टिकुलर पेज पे आप आपको यहाँ से ये फेसबुक ये आउटर इंटरफेस पे आपको ले आएगा। दिस इज कॉल्ड आउटर इंटरफेस। अभी जो आउटर इंटरफेस है ना, बेसिकली इट वर्क्स सेम एज जैसे हमारी कोई भी कंटेंट मार्केटिंग फनल काम करती है। ठीक है, हमारी कंटेंट मार्केटिंग फनल क्या थी, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में आपको ड्रॉ करवाया था, कोई भी कारोबार शुरू करना है आपका, उस कारोबार में सबसे पहले एक सेल्स साइकिल प्रोसेस हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सेल्स साइकिल प्रोसेस क्या है, लेट्स से व्हाट इज द सेल्स साइकिल प्रोसेस, वो बेसिकली सेल्स साइकिल प्रोसेस क्या है कि अच्छा मेरा सबसे पहले जो कस्टमर था इट वाज अ स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर को मैंने कह दिया वो एक प्रोस्पेक्ट था। ठीक है, वो प्रोस्पेक्ट से बन गया मेरा, वो मेरे साथ अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट होने के बाद दे अट्रैक्ट हुआ, विजिटर बन गया, विजिटर बनने के बाद मैंने उसको लीड में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपीरियंस को मेरा कस्टमर बन गया, और उसके बाद उसने मुझसे सिंपली मेरे साथ क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये सिंपली सेल्स का एक प्रोसेस है जो मैं आप फॉलो करते हैं। और फेसबुक कहता है कि लाइक आप लोगों ने ना
और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि कभी भी आप कोई मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना तो अपने फनल की फेज पे शुरू करते हैं. लाइक फनल का मतलब यह है कि तुमने कहा कि अच्छा मैंने अपना कॉन्टेंट प्रमोट करवाना है तो सबसे पहले मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ मार्केट में. मुझे उनको बताना पड़ेगा, उसके बाद मुझे लोगों को ये करना पड़ेगा कि वो अपने होने के बाद मुझसे कंसिड्रेशन लेना शुरू कर दें. कंसिड्रेशन मीन्स वो इंगेज हो, वो देखें मैं क्या काम करता हूँ, किस तरह की प्रोडक्ट सेल करता हूँ. देन उसके बाद मैं उनको आराम से इस पर ही समझ में डाल सकूँ विच इज कॉल्ड कन्वर्जन. अब सही मैंने जो आउटर लीडर केस है ना, ये कहता है कि तुमने अगर कोई भी कारोबार शुरू करना है ना तो तुम ये कारोबार पूरे का पूरा आपके फेसबुक फंड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, अब लेट्स से आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, आपने कहा कि मैंने फेसबुक पे पेड एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करनी है, अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू करनी है. जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है यू आर गोइंग टू लॉन्च योर कैंपेन विद पेड. लाइक आप पैसे लगाना चाहते हैं अपने कॉन्टेंट को प्रमोट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग करना. अब इस तरह से आपने ऑलरेडी सीखा कि किस तरह से आप लोग ना इस एड मैनेजर को असेस करवा सकते हैं. You people already know that. सबको पता है ad manager को assess कैसे करना? Yes sir. इस पर ही लोगों को पता है कि ad manager को assess कैसे करना? Guys मैं बड़ा simple बता रहा था कि आपने जब Facebook के outer interface को touch करना है तो आपने simply क्या करना है? You can go to business.facebook.com. आप इधर आएंगे, इधर आपने simply आपने अपना account create करना. Account create करने के बाद आपका एक ad manager बन जाएगा. जब ad manager बनेगा आप सिंपली अपने जो भी आपका बिजनेस पेज है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगा. ये दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा, कोई शक नहीं. बात जो आप सीखने वाली है ना वो बेसिकली ये है कि मैं इसको एज ए सर्विस एज ए स्किल सीख के पैसे कैसे कमा सकता हूँ. तो फाइबर पर तुमको लगा देना, फाइबर पर एक डेली का खासा जॉब्स है. थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ ताकि ये बताने के लिए इस कोर्स की वैल्यू क्या है और ये कोर्स काफ़ी लेंथी है ताकि समझ आ जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. तो लेट्स से फाइबर पे आप जाते हैं तो फाइबर पे आप देखोगे कि सिर्फ ये ही हो गए हैं फेसबुक एड्स. तो फाइबर पे एक आशा होते हैं जो कि इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. दे दे नहीं कर पाओ हेलो आई विल क्रिएट अमेजिंग इलस्ट्रेशंस ऑन फेसबुक, आई विल क्रिएट मॉडर्न फेसबुक वीडियोस एड्स for your business और ये $150 चार्ज करना है. हेलो ई चार्ज $25 फॉर दिस 21 कैंपेन. हेलो ये और ये बेसिक पैकेज ये है कि कहता है मैं $125 चार्ज करूँगा और आई विल गेट यू फेसबुक लाइक्स एंड मार्केटिंग फेसबुक लाइक्स ले जाऊंगा. तो पीपल यूज देयर सर्विसेज इन अ डिफरेंट वे. अभी जो ये ऐड मैनेजर है ना बेसिकली ये इट्स बेसिकली डेमोंस्ट्रेशन अबाउट कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट को शुरू कैसे करते हैं. जस्ट प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल वे में आपको बता सकूँ ताकि आपको थोड़ी वो जो टैक्टिक है ना थोड़ा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम हो जाए. मैंने बताया कि फनल स्टार्ट की है विद द अवेयरनेस टॉप ऑफ द फनल कंसीडरेशन एंड देन कन्वर्जन. दिस इज कॉल्ड थर्ड फनल विच इज कॉल्ड बॉटम ऑफ द फनल. राइट ऐसे काम. ओके सो अब जब भी आप एडवर्टाइजिंग शुरू करते हैं ना सबसे पहले आप कहते हैं कि अच्छा मुझे डिफाइन करवाना है, मुझे डिवेलप करवाना है, मुझे डिलीवर मुझे डिस्कवर करवाना है और देन मुझे डिलीवर करवाना है और देन मैं मेजर कर दूँगा कि मुझे रिजल्ट क्या है. अब ये एक बेसिकली पैरामीटर्स हैं जो आप फॉलो करते हो जब कोई भी एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हो. ठीक है फेसबुक है तो सबसे पहले जब एडवर्टाइजमेंट शुरू करनी है ना तुमने या तुमने फेसबुक मार्केटिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि फेसबुक के ना स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे. लाइक या कोई भी आप प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हो उसके स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे. अब डिफाइन ऑफ द वे तो ये करना पड़ेगा कि फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स को यूज कैसे करते हैं. वेरी सिंपल
डिस्कवर का मतलब ये है कि तुम फेसबुक पे ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करवा सकते हो। वेरी सिंपल, डेवलप का मतलब ये है तुम अपने कंटेंट को किस तरह फेसबुक यूज फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए कैसे क्रिएट करवा सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, एंड देन किस तरह से फिर तुम उसको पुश करोगे उस फॉर परफॉर्म करना और फिर तुम रिजल्ट को कैसे भेज करोगे। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया? आपके फील्ड नहीं है ना इस वजह से, तो क्वेश्चन अगर पूछोगे तो मैं आपका स्टार्ट क्लियर कर पाऊंगा।